नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे, तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। 500 ग्राम मैंने भिंडी लिया है। भिंडी को धो के मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, उसके बाद मैंने इसे काट लिया है। भिंडी को बहुत ज्यादा बारीक ना काटें, भिंडी को थोड़ा मोटा ही काटें, नहीं तो भिंडी पकाते समय टूट जाएगी। इसे पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप इस सब्जी को सरसों के तेल में बना सकते हैं या किसी भी तेल में बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने रोज के खाने में करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हल्का सा भुन चुका है, अब हम 2 बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे। साथ ही साथ यहीं पे हम प्याज डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को बस हमें हल्का सा नरम करना है, क्योंकि भिंडी के साथ जब प्याज हल्की सी पकती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। प्याज को बिल्कुल बारीक ना काटें, प्याज को थोड़ा सा मोटा ही काटें। प्याज को मैंने 2 मिनट पका लिया है और ये हल्की सी नरम हो गई है। अब हम इसमें कटा हुआ भिंडी डाल देंगे और डाल के इसे प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। भिंडी को हम बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो भिंडी से पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो भिंडी है चिपचिपी हो जाती है। 2 मिनट बाद हम गैस का आंच मीडियम और लो के बीच में कर देंगे और भिंडी को 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी भिंडी 50% पक जाएगी, यानी कि हल्की सी नरम हो जाएगी, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी जो है वो हल्की सी नरम हो गई है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है, ये ज्यादा तीखा नहीं होता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आप इस रेसिपी को ज्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने अभी नमक नहीं डाला है, नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी भिंडी की सब्जी है वो बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी, खिली खिली बनेगी। अब हम गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे भिंडी को 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारी भिंडी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। एक बात का आप और खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी भिंडी की सब्जी बनाए तो भिंडी को बिना ढके बनाए। 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो हमारी भिंडी का कलर है वो चेंज हो गया है और हमारी भिंडी अच्छे से नरम हो गई है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट और इसे पका लेंगे। अच्छा, एक बात और, भिंडी की सब्जी में अगर थोड़ा भी नमक ज्यादा हो जाता है तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, तो इसका बहुत ही खास ध्यान रखें। ये देखिए, हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है, ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सब्जी को एक बर्तन में निकाल के गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ सर्व करेंगे। इतनी सब्जी में परिवार के 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। भिंडी की सब्जी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो कभी भी चिपचिपी नहीं होगी। अगर इसे बनाने में आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे चैनल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।